Hey guys, my name is Viren Singh. Welcome to the YouTube channel. So, काफी बड़ा सवाल है कि आखिर CSIR का एग्जाम डेट कब आएगा. तो CSIR का जो एग्जामिनेशन डेट है या जो एप्लीकेशन डेट है, ये ऑलमोस्ट जो कि पता चल रहा है कि कहते कॉमन सेंस या आपके एजम्पशंस के थ्रू अगर मैं प्रेडिक्ट करूं या जितनी भी चीज़ें अभी तक चल रही है उसके अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेट करूं तो ये जो है दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है. और दिसंबर में एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है. उसके अकॉर्डिंग अगर फॉर्म जो आएगा वो आपके अक्टूबर में यानी कि अक्टूबर के सेकेंड वीक तक आ जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले ही बता रखा है कि जब भी एग्जाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जब आएगा तो एप्लीकेशन फॉर्म के बाद 2 महीने का विंडो आपको दिया जाएगा एग्जामिनेशन के लिए. उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 2 महीने ही आपके पास बचे हुए हैं, यानी अगर अक्टूबर में एग्जाम का फॉर्म आता है तो दिसंबर में आपके पास एग्जाम होने वाले हैं. इसके हिसाब से आप जो है तैयारी अपनी कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि आप ये मान के चले कि आज से 2 महीने बाद एग्जाम होने वाला है, क्योंकि एग्जाम का नोटिफिकेशन अब कभी भी आ सकता है. एग्जाम का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है. अब ये सोचने की नहीं है कि कब आएगा, किस तरीके से फॉर्म आने वाला है. इसके लिए इस डायलेमा में पड़े रहने के बजाय आप जो है एग्जामिनेशन फॉर्म का वेट ना करें. अब ये मान के चले कि इस आज जो है आज से 2 महीने बाद मेरा एग्जाम होने वाला है, इस हिसाब से तैयारी करें. क्योंकि अगले टाइम में कब एग्जामिनेशन फॉर्म का डेट आ जाएगा, किस तरीके से हम ये नहीं कह सकते. हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है 2 दिन बाद आए, हो सकता है 1 हफ्ते बाद भी आ सकता है. लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबल लेके चल रहा हूँ या जितने भी मेरे कनेक्शंस हैं उनके थ्रू जो मैंने बातचीत करी है, ये ऑलमोस्ट आइडेंटिफाई या इस तरीके से लग रहा है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक एग्जामिनेशन का जो है नोटिफिकेशन वो आ जाने वाला है. NTA या CSIR जो है उसको हम अपने वेबसाइट के थ्रू हमें कम्युनिकेट कर देंगे, सो दैट कि एग्जामिनेशन जो है वो दिसंबर में हेल्ड होगा. उसके बाद दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या एग्जामिनेशन मर्ज होगा. बिल्कुल मर्ज होगा, क्योंकि अब CSIR के पास इतना वक्त नहीं बचा है कि वो एग्जामिनेशन को 2 बार कंडक्ट करा सके. तो पिछली बार की तरह इस बार भी एग्जामिनेशन मर्ज होगा. 2 शिफ्ट में शायद एग्जाम हो सकते हैं, और 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा तो उसी तरीके से जैसे पिछली बार कट ऑफ डिसाइड किया गया था, उसी तरीके से इस बार भी डिसाइड किया जाएगा. नॉर्मलाइज किया जाएगा स्कोर्स को. सो अभी से लग जाइए और ये मान के चलिए कि आप आज से 2 महीने बाद आपका एग्जाम जो है वो होने वाला है. सो 1st of December को अपना टारगेट सेट कर लीजिए या उसी के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई जो है कंटिन्यू या अगर चल रही है तो आप उसको बूस्ट कर लीजिए. सो मोस्ट प्रोबेबल जो एग्जामिनेशन के एप्लीकेशन फॉर्म का नोटिफिकेशन आउट का बात है अक्टूबर के सेकेंड वीक तक आ जाना चाहिए, और दिसंबर के सेकेंड वीक के आसपास जो है एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है. सो दिस इज अ रिसेंट अपडेट या ये कह सकते हैं कि एक प्रिडिक्शन है मेरी साइड से. और अगर आपके पास कोई क्वेरी और भी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट. अगर पूरा करना हो CSIR का सपना तो मेहनत से बढ़कर कोई संकल्प नहीं. जब बात हो बेस्ट तैयारी की तो अनएकेडमी से बेहतर कोई विकल्प नहीं. अनएकेडमी का एक टॉप एजुकेटर जिसे वीरेंद्र सिंह के नाम से जानते हैं, अपने स्मार्ट टीचिंग से वो कईयों के सपने पूरे कराते हैं. जुड़िए अनएकेडमी के साथ और ले जाइए अपना CSIR अपने साथ. देखिए वीरेंद्र सर की फ्री क्लासेस, अपनी तैयारी आजमाने के लिए, और यूज करिए रिफरल कोड वीरेन 10% डिस्काउंट पाने के लिए.